प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 22 जुलाई के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 101% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा। बट प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का आंसर की मैंने पहले बता दिया था, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊँगा और इस ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप लोगों का विषय कोड 110 रहेगा, टाइम टोटल 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न दिखाता हूँ, फिर इसका डाउनलोड पीडीएफ के रूप में आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो देखिएगा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोगों को 200 से लेकर के 250 शब्द में निबंध लिखना है, कोई एक भी विषय पर। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, कौन नंबर में जाएगा, नववर्ष पर, दूसरा नंबर में जैसे ख में दिया मेरी प्रिया पुस्तक पर, ख नंबर में ख नंबर में दिया गया वैज्ञानिक प्रगति और मानव जीवन पर, उसी प्रकार से घ नंबर में दिया गया जो ना देशा देशी तन के लाभ, उसके बाद देखिएगा दुर्गा पूजा पर। तो प्यारे बच्चों, मैं इसमें से नववर्ष जो है इसका जो है ना निबंध का आंसर की देने वाला हूँ। तो कैसे डाउनलोड कर रहा है आंसर की ये हम सिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए, स्किप करिएगा तो फिर आप आंसर की नहीं देख पाइएगा। उसके बाद देखिएगा ये वैसे कितना नंबर का था, ये भी आप लोग देख लेना, ये आप लोगों का 5 नंबर का होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, 2 नंबर जैसे कि प्रश्न है, इसमें पहला नंबर जैसे कि देखिए 2 प्रश्न इसमें दिया, एक ऊपर दिया, 8वां करके नीचे भी दिया, तो कोई एक प्रश्न का आंसर की बनाना, जैसे ऊपर का बनेगा तो नीचे का नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं वैसे दिखा दूँ, मासिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है और 8वां में है, तो इसमें जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई पर आपको जो है ना छात्रों के बीच संवाद लिखना है, तो कोई एक भी आपको बनाना है, अगर ऊपर का बनाओगे ना तो नीचे का नहीं बनाना, अगर नीचे का बनाओगे तो ऊपर का नहीं बनाना, ये 5 नंबर वाला आपका होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है ना 3 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बनाना है, ठीक है, 5 प्रश्न का, ये 10 नंबर के लिए होगा। देखिएगा जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, लोकगीत किसे कहते हैं, दूसरा है बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप प्रचलित है, 3 नंबर है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, उसकी स्थापना किसने की थी, 4 नंबर है कि निम्नों की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के अतीत का जो है ना अपनी सहानुभूति प्रकट की, 5 नंबर है समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और जो है ना समुद्र की प्रवृत्ति में क्या अंतर है। तो मैं बता दूँ, 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक प्रश्न जो है इसका आंसर की मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे मैं सारा प्रश्न आपको पढ़ करके बताऊँगा, ठीक है। चलिए जैसे कि अगले प्रश्न 5-6 नंबर है कि मेरा ईश्वर जो ना मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं, 7 नंबर की आ रही कवि की सवारी, ठीक है, दवी की सवारी शीर्षक कविता में जो ना चित्रित सवारी का वर्णन करें, और 8 नंबर है कि जो ना अष्टावरक जो ना विमुह सा क्यों बैठा रहा, और 9 नंबर की बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया, 10 नंबर की ग्राम गीत के जो ना मेरुदंड क्या है। तो इस प्रकार से ये आपका सारा प्रश्न था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे आपने देखा ऊपर आपका ऑलमोस्ट 20 नंबर के लिए मैंने बताया प्रश्न, अब ये लास्ट आपका प्रश्न होगा, जैसे कि 4 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 1 प्रश्न का आंसर बताना है, 5 नंबर वाला है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो है ना दिया जा रहा है क नंबर का, देखो क नंबर में जैसे क्या प्रश्न है कि निबंध दिया गया लेखन, निबंध में लेखन जो ना लेखन में कल्पना की क्या महत्व है, आप अगर ऊपर का बनाओगे तो नीचे का नहीं बनाना, नीचे का बनाओगे तो ऊपर का नहीं बनाना, कोई एक बनाना, और उसके बाद ये रहा ख नंबर में प्रश्न की निम्नलिखित पंक्तियों का जो ना सब प्रसंग व्याख्या कर, यानी कि अर्थ बताना है, जैसे कि हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुरान साग, वह चोरों की तरह खा रही कई बरस। तो ये आपका इस प्रकार से प्रश्न है, तो चलिए इसका आंसर की और ऑब्जेक्टिव में आपको पता है 25 प्रश्न बनाना है, कैसे डाउनलोड करेंगे ये मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या करिए, गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी, ठीक है ना, क्या करिएगा मिथुन स्टडी, प्यारे बच्चों आप लोगों को मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना, स्टडी सेंटर आप लोगों को डालना है, ठीक है, मिथुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना है, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करिएगा। इसके बाद आप लोगों को ऊपर करना है, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा दूँ, तो ये रहा, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है,
नीचे आओगे तो आपके सामने देखना प्यारे बच्चों जो है ना क्लास नाइन्थ का सेशन देखने को मिलेगा। ये रहा जुलाई मंथली एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर क्लास नाइन्थ का, तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आना, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम क्लास टेंथ का 2024 में होगा उसके लिए इसी मंथ में न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चलिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, हिंदी संस्कृत साइंस सोशल साइंस, इसके अलावा आगे बढ़िएगा ना तो मैथ इंग्लिश उर्दू नॉन हिंदी सारा है। फिलहाल हमें करना है हिंदी का सब्जेक्टिव आंसर की डाउनलोड। देखो हिंदी के सामने डाउनलोड है, डाउनलोड पर क्लिक कर लो, पेज को रिफ्रेश करना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आंसर की नहीं मिलता, पेज को आपको नीचे कर खींचना होता है, ठीक है। खींचिए और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आओगे तो आप पहले देख लो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर का आपको बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की, आप इसे लिख लो। आगे बढ़ते जो सब्जेक्टिव प्रश्न लिखा है उसका आंसर की मैं कुछ ही डल में अपडेट कर दूंगा आपको 30 मिनट से लेकर के 20 मिनट में, हमेशा एग्जाम हॉल में जाने से पहले चेकआउट करते रहना और आते ही पेज को रिफ्रेश कर लेना, तो आंसर की बिल्कुल देखने को मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी सारा पेपर मैं डालूंगा, संस्कृत का हो गया, मैथ का हो गया, और साथ में आपका साइंस सोशल साइंस, ठीक है ना, सोशल साइंस, साथ में प्यार बच्चों साथ में हम लोग क्या डालेंगे इंग्लिश का, और उर्दू वाले छात्रों के लिए उर्दू प्लस नॉन हिंदी का। तो ये सारा चीज़ मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नोटिफिकेशन, ताकि वीडियो जैसे ही डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप जुड़ पाएंगे।